ओम शांति। 14/6/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पढ़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरा, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहां भटकता तो नहीं है। वरदान, स्वमान में स्थित रह देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं। इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। जाऊं इन लहरों को दामन में।